सुरजीत कुमार जियाणी होरी उस समय लोगों को अचानक बड़े चंगे लगन लगे सी, नाल हरजीत गरेवाल जो राजनाथ के राही गल करके लगते हैं कि गल नबेड़न वाल तुरे से, उस दिन लोगों को लग्या सी कि शायद ये पंजाब हितैषी ने, शायद ये किसान हितैषी ने, ये सांझीवालता के हितैषी ने। पर अचानक दिल्ली जाके जिमें पंजाब भवन चो रोज़ चल गए, मीटिंगा करके आ गए, फिर पंजाब भवन के बैड तोड़न लई सौ गए, सो लगातार जी कार्रवाई चली तो लग्या कि इन्हां दे पल्ले भी कुछ नहीं गा, इन्हां चो भी कुछ नहीं निकलिया। उही बैठकों का दौर उधर चल रहा, उही ये जाते बैठकों करके मुड़े आते, सो कुछ नहीं। जदों कि इन्हां नूं बकायदा पता लगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बुला के गल कर ली सी, एक बार प्रधानमंत्री कोल भी जाया सी, उहदा हाल तक बाहर नहीं आके दस सके कि उत्थों की सुन के आए, की पुछ के आए, की दस के। पर हुण जिहड़ा बयान आ इहदे दो महीने ने, पहला मायने तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अजे भी सब्ज बाग देख रही है कि पंजाब असी कल्या लड़के जित लाँगे, सो ये अजे भी वह ख्याली पुलाओ छोटे होंदे कहानी सुनते होंगे जी, उही जो कहानी है कि हाँ वह भांड्या लत्त मारी बाद पता लग्या कि सारा कुछ कुछ भी नहीं गा रहे पल्ले ना, उस तरह के मैं लगता है ये सब्ज बाग जो लग रहे हैं वो ने। दूसरे पास एक पहलू यह भी है कि इस समय पंजाब दे विच नगर निगम नगर कौंसल दीयां चोणां ने, सो जो नगर निगम नगर कौंसल दीयां चोणां ने उहदे विच लगातार गल सामने आ रही सी कि कई थावां तों भारतीय जनता पार्टी की टिकट लैणों भी लोग इनकारी हो रहे हैं, उन्होंने चोण निशान से चोण लड़नों भी इनकारी हो रहे हैं। पर कुछ तत्थ जो सामने आने लगे तो पता लगा कि 1200 तो बाद उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के चोण निशान से पंजाब से लड़न लई तैयार हो गए, सो इस तो कितना कितने लगता कि इन्होंने लग्या कि लै भी अपने तो पैर थले बठेर आ रहा, साढ़े तो शहरों के झंडे लगन लग गए, साढ़े तो चोण निशान से लोग लड़न लग गए। जब उन्होंने ये लग्या शायद वो छेती जियाणी ने कर ली कि इन्नी छेती बयान देता कि असी जी खेती कानूनों के आधार से ही पंजाब 2022 में चोणा भी लड़ लेंगे। मैं कहना जियाणी जी घट्टो घट 17 फरवरी का इंतजार तो कर लेंगे, 14 फरवरी बना पंजाब दे विच नगर निगम नगर कौंसल नगर पंचायतों दी वोटां पैणियां, 17 नूं नतीजे आने ने, सो नतीजियां तक तो इंतजार कर लेंगे, है कितने वो शटर वाले मांग ना हो कि वोटां तिने निकलन, है सो इसलिए कितने वो ध्यान रखना जरूरी है कि थोड़ियां पेटियां चों उम्मीदवार तो तुसीं लभ ले। मैं कहना चलो मिल गए, वोटां किन्नियां पैणगियां कि उन्होंने घर दे भी उन्होंने वोट पाउणगे जां नहीं पाउणगे जां किन्नियां कु पैंदियां ने उस आधार ते, मैनूं लगदा जी कहाल है बीजेपी दे विच, बीजेपी नूं पंजाब दे माहौल नूं ध्यान च रखदिआं, पंजाब दे सोच नूं ध्यान च रखदिआं, पंजाब दे आम वर्ग की राय नूं ध्यान च रखदिआं मैनूं लगदा बयान देना चाहीदा। सो इह कितना कितें प्रगटाहट दी जां फिर माहौल नूं खराब करन दा इक तरीका है तां कि लोकां दा ध्यान बटाए, जिवें बार्डर दे उत्ते ध्यान बटाया जा रिहा उसे तरह मैनूं लगदा पंजाब दे विच वी ध्यान कन्वर्ट करन दा इक तरीका। पर मेरी अजे भी यही बेनती है सुरजीत कुमार जियाणी होरां नूं कि घट्टो घट 17 फरवरी का इंतजार कर लो, उस दिन पता लग जाएगा कि तुसीं कित्थे खड़े हो, पंजाब दे लोक कित्थे खड़े ने, किनूं किन्ना चाहुंदे ने, किनूं नहीं चाहुंदे।